इतने अच्छे अवसर पे आज हम सब लोग आए हैं, मैं, मेरे बड़े भाई, मेरी नानी, मेरी मम्मी, हम सब आज यहाँ पे आए हैं। इतने बड़े अवसर पे जन्माष्टमी है, दही हांडी का पूरा इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। डेफिनेटली डेफिनेटली, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इतनी करीब से आज हमें ये पूरा जो सारे गोविंदा सारे लोग मिलकर ये जो पूरा एक टावर बनाकर ऊपर तक जाते हैं और दही हांडी फोड़ते हैं, उसे देखने का इतने करीब से मौका मिला, आई थिंक वो बहुत हमारे लिए प्रेशियस था आज के दिन के लिए, और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज भी वापस लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग जी, बहुत अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत करते हैं और हम ऐसे जो किरदार प्ले करते हैं जिनसे जितने भी दर्शक हैं हमारे वो हमें देखते हैं और फिर हमें इतना सारा प्यार देते हैं, तो वो जो अवार्ड, वो जो ब्लेसिंग होती है, वो जो उनके थ्रू हमें मिलती है, वो मतलब किसी अवार्ड से कम नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है। जी जी जी, क्या कहना चाहोगे फैंस के बारे में? जितना कहो उतना कम है, क्योंकि उनका जो प्यार होता है वो बहुत ही बेइंतहा होता है, मतलब एकदम अनकंडीशनली दे लव अस, और इतना हमें वो प्यार करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी अच्छे अच्छे एडिट्स बनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो मतलब ये जो प्यार है ना, ये आपको हर जगह नहीं मिलता है। सो आई फील ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड कि आई गेट दिस काइंड ऑफ लव फ्रॉम माई फैंस। मेरे करण या, हम यहाँ पे हैं इतने हमारी माँ में बुला रही है हमारी माँ में ढूंढ रही है मेरे करण अर्जुन कहाँ है क्या कहना चाहेंगे, अच्छा लगता है। मेरी मम्मी जो पल हम जी पा रहे हैं और उसके पीछे हमारी मम्मी की मेहनत है, तो हम चाहते हैं कि जो मोमेंट्स हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं उन्हें वो भी एक्सपीरियंस करें और उन्हें उतना ही अच्छा लगे, उनकी मेहनत उनको लगे कि साकार हो गई है, तो आई थिंक इसलिए हम चाहते हैं हमेशा हमारे साथ हैं, तो हम उन्हें क्यों पीछे छोड़ के आए। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और उनसे बस मोहब्बत करनी चाहिए। जी जी, इस बार हम रखेंगे सर, अभी मतलब अभी तो हमने मतलब विद गॉड ब्लेसिंग हमने अभी नया घर लिया है, तो अब हम शुरू करेंगे। मुंबई ने क्या दिया आपसे बात करने का मौका दिया भारत एक्सप्रेस से बात करने का मौका मिला है हमें, तो मुंबई ने हमें ये दिया, मुंबई ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे फैंस ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें फैंस दिए, क्योंकि अगर मैं इलाहाबाद में रहता तो शायद ना कभी इंडस्ट्री में आ पाता और ना ही मुझे पता चलता, बट मुंबई ने हमें इतने प्यार से बुलाया, इलाहाबाद से बुलाया, प्रयागराज से बुलाया और इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया, बहुत अच्छा लगता है। आएंगे बहुत जल्दी आएंगे, बहुत सब्र करिए, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊँगा। भैया थैंक यू सो मच।